फसल बीमा, फसल बीमा के संदर्भ में आज प्रतिपक्ष ने जो सदन के अंदर बात करी, मैं उन प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, कि राजस्थान के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ केंद्र सरकार ने फसल बीमा के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से जो अन्याय किया है उसके संदर्भ में उनकी क्या राय। खरीफ 2018 के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर 1100 करोड़ के लगभग क्लेम निर्धारित हुआ था। टाटा एआईजी जो निजी कंपनी थी, उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अंदर टीएसी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास अपील करवाकर और वो प्रावधान बदले। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ ये दौरा पैमाना क्यों? कर्नाटक और गुजरात के अंदर जो पैमाने हैं और राजस्थान के अंदर पैमाने हैं उसके अंदर अंतर क्यों? पहले राजस्थान के अंदर 60-40 का जो पैमाना था कि 60% क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट और 40% वेदर फोरकास्ट, वो बदलकर 40-30-30, 40% क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, 30% वेदर फोरकास्ट और 30% रिमोट सेंसिंग। ये पैमाने परिवर्तन होने के कारण बाड़मेर जिले के किसानों के जेब से जो लूट करकर और टाटा एआईजी को मदद करी गई उसके अंदर किसकी जिम्मेवारी बनती? सिर्फ ये एक पैमाना बदला केंद्र सरकार ने, उससे 731 करोड़ रुपए का क्लेम बनता था एक पैमाना बदलने से। इसके अलावा और कई तरह के फैसले बदले हैं, उसके जगह 395 करोड़ ही रुपए ही बाड़मेर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिले। ये 336 करोड़ रुपए का फायदा टाटा एआईजी को पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में जो पहुंचाने का आपने कृत्य किया है, राजस्थान के किसानों और बाड़मेर के किसानों से माफी मांगनी चाहिए।